मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में मंगलवार को युद्धपोत INS रणवीर में ब्लास्ट हादसे में 3 नौसैनिक शहीद, 11 जवान जख्मी। युद्धपोत के इंटरनल कंपार्टमेंट में लगी आग, तुरंत आग पर पाया गया काबू। नवंबर 2021 से तटीय इलाके में ऑपरेशन तैनाती पर था INS रणवीर, जहाज के डॉकयार्ड पर लौटने के दौरान हुआ ब्लास्ट। धमाके की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, नौसेना ने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बनाई। राहुल गांधी ने धमाके को दुखद बताया, कहा शहीदों को श्रद्धांजलि, घायलों के जल्द ठीक होने की उम्मीद। यूपी पंजाब और गोवा चुनाव को लेकर आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, पार्टी प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर संभव। यूपी के तीसरे और चौथे चरण के चुनाव प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा, यूपी में बीजेपी के अब तक 109 उम्मीदवारों का ऐलान। उत्तराखंड के सभी 70 सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा, गुरुवार तक बीजेपी उम्मीदवारों की सूची आ सकती है। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक ही चरण में मतदान, 14 फरवरी को होनी है वोटिंग। अखिलेश को आज लग सकता है बड़ा झटका, मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव आज ज्वाइन कर सकती हैं बीजेपी। दिल्ली में मौजूद हैं अपर्णा, सूत्रों के मुताबिक मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी सुबह 10 बजे ज्वाइन कर सकती हैं बीजेपी। अपर्णा लखनऊ कैंट सीट से चाहती थी SP का टिकट, सपा अध्यक्ष और जेठ अखिलेश से जवाब ना मिलने से थी आहत। अपर्णा 2017 में लखनऊ कैंट से हार गई थी चुनाव, सीएम योगी और डिप्टी सीएम मौर्य की मौजूदगी में ज्वाइन कर सकती हैं बीजेपी। लखनऊ कैंट की टिकट पर बीजेपी में भी फंसा है पेच, बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी बेटे के लिए यही से मांग रही है टिकट। मेरठ की हस्तिनापुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना गौतम का प्रियंका गांधी ने किया बचाव, अर्चना के पहनावे की हो रही है टिप्पणी। साल 2018 में मिस बिकनी इंडिया रह चुकी हैं अर्चना, कांग्रेस महासचिव ने पहनावे पर टिप्पणी को घटिया और छोटी सोच की राजनीति बताया। अर्चना की आड़ में प्रियंका का पीएम मोदी पर भी निशाना, कहा परिवार को लेकर प्रधानमंत्री से सवाल क्यों नहीं किए जाते। उत्तराखंड के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत आज ज्वाइन कर सकते हैं कांग्रेस, दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मौजूदगी में दोबारा हाथ थाम सकते हैं हरक। माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में एंट्री के लिए माफी मांगने को तैयार, धामी सरकार से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी ने पार्टी से निकाला। यूपी के चुनावी रण में आजम खान और उनके बेटे के उतरने पर आज फैसला, लखनऊ में वर्चुअल मीटिंग के दौरान अब्दुल्ला आजम कर सकते हैं ऐलान। आजम खान को रामपुर सदर से सपा दे सकती है टिकट, अब्दुल्ला को स्वार विधानसभा सीट से उतारा जा सकता है मैदान में। रामपुर सदर सीट से आजम खान 9 बार विधायक, सीतापुर जेल में बंद आजम फिलहाल रामपुर के से सांसद। अखिलेश ने आजम और अब्दुल्ला पर ही चुनाव लड़ने का फैसला छोड़ा, खबर है कि सपा अध्यक्ष ने रामपुर की सभी सीटों से पार्टी सिंबल अब्दुल्ला को दिया। यूपी में आज से समाजवादी पार्टी का बड़ा अभियान, 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए लोगों के नाम लिखने की मुहिम। सपा ने मुहिम का नाम 300 यूनिट मुफ्त पाए रखा, यूपी चुनाव में महंगी बनाम मुफ्त बिजली का मुद्दा गरमाया। सपा कार्यकर्ता घर घर जाकर मुफ्त बिजली के लिए लोगों का लिखेंगे नाम, चुनावी मौसम में एक और वादा। सीएम योगी ने ट्वीट कर अखिलेश के वादे पर ली चुटकी, कहा
बाप मार डरिस अंधियारे में बेटवा बना बा पावर हाउस। यूपी में बीजेपी ने मंगलवार को दो और सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान किया। फर्रुखाबाद और बरेली की एक एक सीट के लिए प्रत्याशी घोषित। फर्रुखाबाद की भोजपुरा सीट से बहुरनलाल मौर्य को दिया गया टिकट। बरेली के बहेड़ी सीट से छत्रपाल गंगवार लड़ेंगे चुनाव। यूपी में सपा आरएलडी गठबंधन की दूसरी लिस्ट, दो कैंडिडेट के नाम का ऐलान। एसपी आरएलडी ने घोषित किए उम्मीदवार। मेरठ की सिवाल खास और मेरठ कैंट सीट से प्रत्याशी फाइनल। सिवाल खास से गुलाम मोहम्मद को टिकट। मेरठ कैंट से मनीषा अहलावत एसपी आरएलडी गठबंधन की उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी की यूपी के लिए प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट, मंगलवार को पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। आपकी दूसरी लिस्ट में 20 प्रत्याशी उम्मीदवार, एलएलबी एमबीए और पोस्ट ग्रेजुएट। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच मंथन। अपना दल और निषाद पार्टी का हिस्सेदारी बढ़ाने पर दबाव। सूत्रों के हवाले से खबर, अपना दल ने मांगी है 36 सीटें। ।2017 में अनुप्रिया की पार्टी ने 11 सीटों पर उतारे थे प्रत्याशी। अपना दल एस ने जीती थी 9 सीटें। संजय निषाद का पार्टी के 15 सीटों पर दावा। कुछ सीटों पर निषाद पार्टी बीजेपी के सिंबल पर लड़ेगी चुनाव। यूपी में टिकट बंटवारे पर सभी दलों में हलचल। बीजेपी में कई सीटिंग विधायकों के टिकट काटे गए। मथुरा के मांड सीट से एसके शर्मा का टिकट कटा। 2017 चुनाव में हार गए थे चुनाव। टिकट कटने से कैमरे के सामने रो पड़े एसके शर्मा। शीर्ष नेतृत्व पर लगाए गंभीर आरोप। बीजेपी नेता एसके शर्मा का आरोप, बहुत जल्द सीएम योगी को भी बीजेपी किनारे कर देगी। बरेली के बिथरी चैनपुर सीट से सिटिंग एमएलए का टिकट कटा। राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल को टिकट नहीं। भरतौल ने सोशल मीडिया पर किया भावुक पोस्ट, कहा राम राज्य में जनक हार गया। यूपी में भीम आर्मी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। चंद्रशेखर आजाद ने मंगलवार को 33 प्रत्याशियों का ऐलान किया। आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष का सपा अध्यक्ष अखिलेश पर धोखा देने का आरोप लगाया। चंद्रशेखर ने कहा बीजेपी को रोकने के लिए चुनाव के बाद भी गठबंधन कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी आज गोवा के मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करेगी। दिल्ली सीएम केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने घोषित किए नाम। 11 प्रत्याशियों का ऐलान किया। मंगलवार को घोषित नामों में अहम नाम पूर्व मंत्री माइकल लोबो का रहा। लोबो ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन की है। माइकल लोबो को कलानगुटे से कैंडिडेट बनाया गया। नुवेम से एलेक्सियो सिक्वेरिया और वेलिम सीट से सोवियो डी सिल्वा को उम्मीदवार बनाया गया। गोवा में कांग्रेस ने जारी की 4 लिस्ट। अब तक 24 प्रत्याशियों के नाम किए घोषित। गोवा में 40 सीटों वाली विधानसभा, 14 फरवरी को होगा मतदान। गोवा चुनाव के लिए टीएमसी की पहली लिस्ट, 11 प्रत्याशियों के नाम घोषित। दल बदलुओं ने टीएमसी ने भी दिया टिकट। कांग्रेस से आए
लुई जिन्हो फ्लेरिया को फतौड़ा सीट से टीएमसी ने बनाया कैंडिडेट। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री चर्चिल अलेमाओ बेनालिम से टीएमसी कैंडिडेट, उनकी बेटी वलांका को नवेलिम से मिला टिकट। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सांसद भगवंत मान को सीएम चेहरा घोषित किया। मंगलवार को आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। सीएम फेस बनने के बाद भगवंत मान का ऐलान, राज्य के युवाओं को रोजगार और किसानों को उनकी फसल का उचित कीमत प्राथमिकता होगी। भगवंत मान के सीएम फेस बनने पर बीजेपी और कांग्रेस का तंज, पार्टियों ने मान का एक पुराना वीडियो शेयर किया। बीजेपी और कांग्रेस का कटाक्ष, क्या केजरीवाल दिल्ली को नशा युक्त करने के बाद पंजाब को नशा युक्त करेंगे? पंजाब में सीएम चन्नी के रिश्तेदार के घर छापा, छापेमारी में 6 करोड़ कैश हुआ बरामद। मुख्यमंत्री के साले भूपेंद्र सिंह हनी के घर से ईडी ने बरामद किए 4 करोड़, संदीप कपूर के घर से 2 करोड़ कैश मिला। 2018 के अवैध रेत खनन मामले में ईडी के छापे पड़े, लुधियाना से चंडीगढ़ तक 10 ठिकानों पर ईडी की रेड। पंजाब सीएम चन्नी ने छापेमारी को बदले की कार्रवाई बताया, कहा बंगाल चुनाव के समय भी सीएम ममता के रिश्तेदारों के घर केंद्रीय एजेंसियों के छापे पड़े थे। रेड को मुख्यमंत्री चन्नी ने बदनाम करने की साजिश करार दिया, राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर बोला हमला। राहुल का बीजेपी पर वार, ईडी ने रेड करवाना बीजेपी का पसंदीदा हथियार है। राहुल ने बीजेपी पर लगाया आरोप, रेड बीजेपी का हथियार क्योंकि वो अपनी कई चीजों को छिपाना चाहते हैं। राहुल ने बीजेपी से कहा, हर कोई आपकी तरह नहीं है, हमें कोई डर नहीं। देश में मंगलवार को कोरोना के 2,61,000 नए केस आए, पिछले 24 घंटे में 392 मरीजों की हुई मौत। मंगलवार को लगातार तीसरे दिन 1.5 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हुए, देश में एक्टिव केसों का आंकड़ा 18 लाख के पार पहुंचा। दिल्ली मुंबई में लगातार तीसरे दिन संक्रमण की रफ्तार कम रही, दिल्ली में 11,684 और मुंबई में 6,149 नए मरीज मिले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 36 मरीजों ने दम तोड़ा, मुंबई में 7 लोगों की गई जान। राजधानी दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट घटी, 22% पर पॉजिटिविटी रेट। महाराष्ट्र में मंगलवार को 39,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले, राज्य में पिछले 24 घंटे में 53 मरीजों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना का कहर जारी, मंगलवार को राज्य में 39 मरीजों की हुई मौत। असम में 16 लोगों की हुई मौत, 8,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में राज्य में 29 मौतें हुई, 23,888 नए कोरोना संक्रमित मिले। गुजरात में मंगलवार को 17,000 से ज्यादा नए कोरोना मामले, पिछले एक दिन में राज्य में 10 लोगों की हुई मौत। कानपुर देहात से विधायक और मंत्री अजीत पाल सिंह ने दर्ज कराया केस, सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर गलत जानकारी पोस्ट करने का आरोप। यूपी के कौशाम्बी में बीजेपी विधायक के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस, चायल विधानसभा क्षेत्र में विधायक संजय कुमार गुप्ता स्कूटी बांटने का उन पर लगा है आरोप। बीजेपी विधायक पर 40 लड़कियों को स्कूटी देने का आरोप लगा है, कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल को भी तोड़ने का आरोप। गुजरात के सूरत में चलती बस बीच सड़क में धू-धू कर जल उठी, सूरत से सौराष्ट्र जा रही बस में आग लगने से एक महिला की हुई मौत। बस के एसी में ब्लास्ट होने से लगी आग, एक महिला को छोड़ बाकी यात्री सुरक्षित।
एमपी में पत्नी से गैंगरेप करने वाले आरोपी को शख्स ने धमाके से उड़ाया, दो लोग को हुए गिरफ्तार। 4 जनवरी को ब्लास्ट में गैंगरेप आरोपी की हुई थी मौत, रतलाम के गांव में शख्स की पत्नी से हुआ था गैंगरेप। धमाका करने वाले शख्स ने के साथ ही दुकानदार भी गिरफ्तार, दुकानदार पर शख्स को जिलेटिन स्टिक और डेटोनेटर्स देने का आरोप। आरोपी के घर से 7 जिलेटिन छड़े और 10 डेटोनेटर्स बरामद किए गए। दूसरे शख्स से मिले 5 जिलेटिन और रॉ 5 डेटोनेटर्स। गैंगरेप केस में पुलिस की कार्रवाई, गांव के पूर्व सरपंच सहित 2 लोगों की गिरफ्तारी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज से वनडे सीरीज, 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज पार्ल के बोलान पार्क में खेला जाएगा। टीम इंडिया की कमान के केएल राहुल के हाथों में टेस्ट सीरीज में करारी शिकस्त के बाद भारतीय टीम वनडे में वापसी करना चाहेगी। पार्ल के बोलान पार्क में भारत की साउथ अफ्रीका से पहली भिड़ंत होगी। बोलान पार्क की पिच बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार। शेयर बाजार की तेजी पर ब्रेक, सेंसेक्स 555 अंक टूटा, निफ्टी 18,200 के नीचे आकर बंद। एलन मस्क ने ट्विटर पर शेयर की अंगूर की तस्वीर, कैप्शन में लिखा बहुत इंफॉर्मेटिव, लोगों ने कहा क्या ग्रेप कॉइन आने वाला है। टाटा की ब्लैक थीम वाली एसयूवी हुई लॉन्च, कार की कीमत 19,05,000 रुपए तय की गई है। ग्राहकों में है एसयूवी को लेकर बेसब्री से इंतजार। नेस्ले ने चॉकलेट के रैपर पर भगवान की तस्वीर छापने को लेकर माफी मांगी। कंपनी ने कहा डेस्टिनेशंस की सुंदरता सेलिब्रेट करना उद्देश्य था।